हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्रत वाले साबूदाना बड़ा की रेसिपी, साथ ही हम बनाएंगे ग्रीन चटनी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है सोक किया हुआ साबूदाना, और देखिए मेरे ये साबूदाना कितने खिली खिली और सोक हुआ है। तो ऐसा सोक करने के लिए आप जो साबूदाना का सोक कर रहे हैं, तब आपको बिल्कुल उसके लेवल तक, जितना दूर तक साबूदाना है उसके लेवल तक आपको पानी डालना है, तभी इस तरह से खिली खिली साबूदाना सोक होता है। अदरवाइज साबूदाना थोड़ा सा चिपचिपे हो जाते हैं। तो साबूदाना भिगोते हुए आप ये मेरी टिप्स ध्यान रखिएगा। इसमें हम ऐड करेंगे आलू। मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिया था और उसको मैंने बॉईल कर लिया अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो हाथ से भी इसको मैश कर सकते हैं। ग्रेटर में ग्रेट करने से बिल्कुल फाइन सी ग्रेट होता है, इसीलिए मैंने इस तरह उसको ग्रेट कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1/2 कप से थोड़ा सा कम पीनट, जो कि है रोस्टेड, और मैंने उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है, बिल्कुल पाउडर नहीं है। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया की पत्ता, और ये मैंने लिया है 8 से 10 करी लीव्स। इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, मैंने चॉप करके डाला है, और थोड़े से ग्रीन चिली। ऑफकोर्स इसमें जाएगा नमक, और व्रत में खाया जाता है सिंधा नमक, और ये जो नॉर्मल नमक है उससे थोड़ा ज़्यादा जाता है। साथ ही हम डालेंगे इसमें लेमन जूस, मैंने 1/2 लेमन की जूस इसमें स्क्वीज कर दिया है, और डालेंगे इसमें जीरा, 1 टीस्पून मैंने लिया है जीरा। बस इससे ज़्यादा कुछ हो जाएगा नहीं, और इसको अच्छा से हम मिक्स करेंगे। अच्छा से मिक्स कर लेंगे सो ये थोड़ा सा स्टिकी हम बनाएंगे इसको। ये देखिए बिल्कुल हाथ से इस तरह रब करते हुए हम इसको मिक्स करेंगे। और देखिए ये हमारा मिक्सचर तैयार है। तो मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, ग्रीस कर लिया, ताकि हम जब इसको बड़ा बनाएंगे तो ये हमारे हाथ में चिपके नहीं। तो और इसमें से आप ले लीजिए इसे थोड़ा सा ये मिक्सचर, और आप अपने शेप और साइज़ के हिसाब से जैसे आपको पसंद है उस तरह आप इसका बड़ा बना सकते हैं। मैंने इस तरह इसको फ्लैट पीसेस में किया है। आप चाहें तो नॉर्म जो गोल वाला होता है उसमें वैसा भी आप बना सकते हैं, आप सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। तो सारे बड़ा मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म कर रही हूँ इसको फ्राई करने के लिए। तो ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो केयरफुली सारे बड़ा को आप गर्म ऑयल में यहाँ पर डिप कर दीजिए। थोड़ा ध्यान से इसमें से थोड़ा ये ऑयल छिटक के आता है, और इसको हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाने तक। तो ये देखिए एक तरफ, देखिए साइड से दिख रही है कि ये थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन हो गया है, तब हम इन्हें दूसरा साइड पलट देंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा और ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आगे आप इसको और एक बार पलट करके और क्रिस्पी कर सकते हैं। और इस तरह दोनों साइड हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए मेरे सारे बड़ा यहाँ पर फ्राई हो गया है, बिल्कुल ही क्रिस्पी बना है। तो मैं इसको निकाल रही हूँ एक पेपर टॉवल पे, सो दैट इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें शो कर लें। तो देखिए साबूदाना बड़ा हमारे तैयार हो गया है। तो आगे हम इसके लिए बना लेंगे ग्रीन चटनी, बिल्कुल व्रत में खाई जाने वाली ग्रीन चटनी। तो मैंने एक मिक्सर जार में लिया है धनिया पत्ता, 2 ग्रीन चिली, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक, और मैंने यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा रोस्टेड पीनट। इसके साथ हम डालेंगे दही, मैंने 2 टेबलस्पून लिया है दही, और ये मेरे घर के चम्मच है छोटा वाला, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 बार ऐड किया है। जार के ढक्कन बंद करेंगे और हम इसको पिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा ग्रीन चटनी तैयार है। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बोल में। तो हमारा बड़ा भी तैयार है, हमारा ग्रीन चटनी भी तैयार है। तो इसको सर्व कर दीजिए इस तरह। और ये देखिए मैं आपको एक तोड़ करके दिखा रही हूँ, ये ऊपर से बिल्कुल ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही अच्छा बना है, ये देखिए। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।